लेट्स स्टार्ट पक्का चलो चलो वेरी 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 गुड मॉर्निंग लेट्स स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट पार्ट. अपन इस चैप्टर के अंदर यूके गवर्नेंस कोड 2018 पे आ गए थे. अच्छा पहली बात यूके गवर्नेंस कोड की बात समझना, ये क्या कह रहा है. अब ये सबसे लेटेस्ट कोड है जो आप पढ़ने जा रहे हो, इसीलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इट होल्ड्स अ वेरी गुड पॉइंट कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. यूके का गवर्नेंस कोड टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं. कुछ नया सीखना है? बिल्कुल नहीं है. पर दिक्कत क्या आएगी? कंफ्यूजिंग होगा. कंफ्यूजिंग क्यों होगा? क्योंकि वापस से वही रेपिटेटिव चीजें आएंगी, किसमें क्या लिखना है, बड़ा कंफ्यूजन होगा. तो अपन ने क्या करना है ना, रीड करते हुए इसके डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट मार्क करते हुए चलना है, ताकि आप लिस्ट डाउन कर पाओ कि भाई यूके के पॉइंट्स के अंदर अपने को ये सब याद रखना है. नाउ 2019 का कोड है. अब इसने क्या बोला कि भाई 1 जनवरी 2019 के बाद कौन सी कोई भी प्रीमियम कंपनी जो चाहे यूके की हो या उसके बाहर की हो, उसके लिए इस कोड को बनाया गया है. अगर वो अडॉप्ट करना चाहे तो अडॉप्ट कर सकती है. कौन से कोड है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड है. अब बात समझो तो कोड इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज विथ अ प्रीमियम लिस्टिंग. नाउ व्हाई डिड दे यूज दिस वर्ड अ प्रीमियम लिस्टिंग? एनीवन, व्हाट इज प्रीमियम लिस्टिंग एज पर यू? और दिस इज जस्ट अ वर्ड टू बी यूज्ड? सर प्रीमियम लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग ओनली? अच्छा, प्रीमियम लिस्टिंग इंडिया के अंदर पर से कोई वर्ड नहीं है. प्रीमियम लिस्टिंग आता है आपके सामने यूके की तरफ से. यूके में जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड वाली कंपनी होती है, जो यूके के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, जो कंपनी उनसे मैच करती है, अपन उसको क्या बुलाते हैं? दैट दिस कंपनी इज हैविंग प्रीमियम लिस्टिंग. हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो यूके ने प्रिस्क्राइब किए उससे मैच करती है. आपने कहा सर इसका मतलब है कि यूके के अंदर सब स्टैंडर्ड्स भी हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे हैं? यस, यूके के अंदर मल्टीपल तरीके के स्टैंडर्ड्स मैच करने के लिए दिया गया है, जिसके अंदर आपने अगर उनकी सबसे स्ट्रिंजेंट कंडीशंस भी मैच कर ली तो हम बोलते हैं आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड टच कर रहे हो. एकदम ठीक है. और उन लोगों को अपन क्या बुलाते हैं? प्रीमियम लिस्टिंग. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फायदा क्या हाईएस्ट स्टैंडर्ड? इसका फायदा सबसे ज्यादा होता है कि आप लोगों के हाईएस्ट स्टैंडर्ड जैसे आप अचीव करते हो, हमें मानते हैं कि आप सबसे हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी होल्ड करते हो. हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी होल्ड करते हो इसीलिए इन्वेस्टर का आपके ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है. हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, इसी की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस सबसे कम होती है. यूके के अंदर अगर आप प्रीमियम लिस्टिंग कंपनी हो या फिर प्रीमियम लिस्टेड कंपनी हो अगर अपन बोलें, तो आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस सबसे चीप होगी फॉर श्योर, हमेशा. यहां तक की बात एकदम क्लियर है क्या? ठीक है. तो ये कोड किसके लिए है? प्रीमियम लिस्टिंग कंपनीज के लिए, मतलब जिनका हाईएस्ट स्टैंडर्ड जिन लोगों ने फॉलो किए थे. अब इसने क्या कहा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन यूके या फिर कहीं बाहर से हो, क्या हो और हमारे यहां पर यूके के स्टॉक एक्सचेंज में आए हो, आप लोगों के लिए ये 2019 का कोड बनाया गया है. चाहे यूके में इनकॉर्पोरेट हुए, बाहर से इनकॉर्पोरेट हुए, और कौन सी लिस्टिंग? प्रीमियम लिस्टिंग. द न्यू कोड अप्लाइज टू अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2019. द 2018 कोड. अच्छा मैंने इस कोड की एक बात समझना, इसने ना आपको बहुत ज्यादा रिजिडिटी के ऊपर नहीं लाया, इस कोड ने आपको बना दिया फ्लेक्सिबल. इसने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फ्लेक्सिबल करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाओ कि सबसे पहले उनके अंदर अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करें, उनको फ्लेक्सिबल बनाओ, उनकी सोच को जितना ज्यादा हाई वैल्यूज के ऊपर ला सकते हो उसी से आपकी फ्यूचर सक्सेस डिराइव होगी. सो द मैनेजमेंट शुड हैव हाई वैल्यूज वाइल वर्किंग इन द बोर्ड. ये सबसे पहली बात थी. तो यूके कमेटी प्लीज लिख के रख लो, फोकस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड. जो बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं वो लिखते जाना, फोकस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड. एंड नेक्स्ट इट फोकस्ड ऑन values and not on preset rules. Sure enough. चले आते हैं, देखते हैं. द 2018 कोड सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स बाय विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड प्रमोट द पर्पस. इसने प्रिंसिपल्स बताए जिससे आप पर्पस अचीव करो, वैल्यूज जो आपके अंदर होनी चाहिए, एंड फ्यूचर सक्सेस ऑफ द कंपनी. द कोड सेट आउट स्टैंडर्ड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू इश्यूज सच एज. अब देखो इसने ना आपके लिए कहां कहां पे स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि वाइल वर्किंग एज ए लीडर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपके काम की इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, रेम्यूनरेशन एंड रिलेशन विथ शेयर होल्डर्स, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है. आप बोलोगे सर ये याद कैसे रखना है? अभी आने वाला जो आगे का टाइम है ना, उसमें मैं आपको मल्टीपल पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर अपन ने यही बातें करनी है. लीडरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल ऑडिट, रेम्यूनरेशन. तो यही मल्टीपल पॉइंट्स है जो ऊपर अपन ने लिखे हैं. तो ऊपर आपने नहीं भी लिखा ना तो आप बोल सकते हो द यूके कोड 2018 हैज सेट आउट मल्टीपल ग्राउंड्स ऑन विच द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू वर्क, लाइक लीडरशिप, उसके अंदर के पॉइंट. नेक्स्ट
अकाउंटेबिलिटी, थर्ड रिस्क कंट्रोल, फिफ्थ रेमुनरेशन, ऐसे करते करते आपने मल्टीपल पॉइंट्स को बताना है। सो सबसे पहली बात, आपने 2018 का स्टार्ट कैसे करना है, आपने सबसे पहले बताना है कि ये कोड कब से एप्लीकेबल होगा, 1st जनवरी 2019 से। किन के लिए? जिनके पास प्रीमियम लिस्टिंग स्टेटस है, चाहे यूके से हो चाहे यूके से बाहर से हो। इसने फोकस ज़्यादा किस चीज़ पे किया? वैल्यूज एंड प्रोसीजर्स के ऊपर, कि भाई आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सबसे ज़्यादा अच्छी वैल्यूज होने चाहिए, तभी आप लोग सक्सेस के ऊपर बात कर पाओगे। इसने फर्दर आप लोगों के लिए अच्छे गुड प्रैक्टिसेस डिसाइड करके दी, किन चीज़ों में रिलेटेड, लीडरशिप कैसी होगी, इफेक्टिवनेस कैसी होगी, अकाउंटेबिलिटी, रेमुनरेशन एंड रिलेशन विद शेयर होल्डर्स। द कोड डज नॉट सेट, अच्छा मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी थी, it does not set out a rigid set of rules, instead it offers flexibility through the application of principle of what, comply or explain। ab isne kya bola, dekho aapko na words hi samajh mein aa raha hai ki sir hai na isne flexibility di hai, flexibility di hai iska matlab kya hai, comply or explain। aapne kyon ye comply kiya ye bata do, ya fir kyon nahi ye comply kar paye explain kar do। तो यूके कमेटी बड़ी क्लियर थी, कंप्लाई और एक्सप्लेन। अच्छा है ना, कंप्लाई और एक्सप्लेन के दो, सॉरी कंप्लाई और एक्सप्लेन का एक और वर्जन बनने वाला है, जो आपको मैं जब साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा रहूंगा तब बताऊंगा। तो उसके अंदर क्या है ना भाई, कि अपन ये कहना चाह रहे हैं कि आप अप्लाई करो और अप्लाई करने के बाद एक्सप्लेन करो कि क्यों अपन ने इसको अप्लाई किया है। तो आप लोग इसके दो इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, जब यहां पर अपन लोग लिखते हैं ना कंप्लाई और एक्सप्लेन, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, लिख लो जल्दी से, कंप्लाई और एक्सप्लेन मीन्स How did we comply? With the set provisions? And explain. Benefits of the application. यहां तक ठीक है। It can further also be दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एथिक्स के लिए एक बुक बनाओ, बहुत लिखना है अपने को, मत करो ऐसे। इट कैन फर्दर ऑल्सो बी टेकन एज अधेर दैट इज टू फॉलो or explain the reason for non-compliance, or explain the reason for non-compliance. Sure? Explain the reason for non-compliance. Simple. Goes ahead. चलिए भाई जल्दी चलते हैं आगे। Provisions and supporting guidance. It is the responsibility of board to use its flexibility wisely and of investors and their advisors to assess different companies' approach thoughtfully। अब देखो, हमने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो इसको वाइसली यूज करें, कि कैसे वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, कैसे स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अब यहां से आता है आपके लिए इसके मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कोड। सो कल वो आपसे पूछ सकता है कि पहली बात, यूके के कोड 2018 ने किन चीजों पर फोकस किया, तो आपने 2018 के सेलेंट कोड्स के फीचर्स बताने। भाई 1st जनवरी 2019 से लग रहा है, खाली प्रीमियम लिस्टिंग की बात करी थी, इसने वैल्यूज एंड प्रोसीजर्स की बात करी, सक्सेस वैल्यूज के ऊपर ज्यादा डिटरमाइन करी। इसने फर्दर आगे क्या इनकलकेट किया, एक्सप्लेन और कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रिंसिपल, वेर एज कम्वेयर कंप्लाई एंड एक्सप्लेन मीन्स वॉट, आपने ये बताना है। फिर उसके बाद बोलना है कि इसके मेन प्रिंसिपल्स इस कोड के अंदर क्या क्या दिए गए थे। अब मैंने इसके मेन प्रिंसिपल्स को ना डायरेक्ट हेडिंग उसके अंदर सब पॉइंट में बना दिया। तो आप लोगों ने ये एबीसी देखा, ये सिर्फ लीडरशिप की बात करेगा। जैसे ही आप डी ई एफ के अंदर आएंगे, ये डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर चल रहा होगा। आप एच आई जे इन सब की बात करेंगे, ये रिस्क के ऊपर बात करेगा, और के एल एम रेमुनरेशन के ऊपर बात करेगा। तो ये पॉइंट्स एकदम मैंने सीरीज में दिए हैं, पर आपको इसमें समझना है कि ये तीन पॉइंट्स इससे रिलेट करेंगे, ये चार पॉइंट इससे, ये चार पॉइंट इससे, इस तरीके से इसको बनाया गया है। श्योर है क्या?
गो सिंपल फॉर यू, आपको याद भी रह जाएगा इन वन गो, सारे के सारे कोड आपको याद हो जाएंगे। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इनमें से कुछ भी ना आता हो, बड़ी बेसिक बात कर रहा है, इंडिया के अंदर भी ये सब कुछ होता है। अब सबसे पहले बात, बोर्ड लीडरशिप एंड कंपनी पर्पस। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कि मेरी कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करे, ग्रो करे। मेरा सबसे पहला काम मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, अपने लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, हर कंपनी का ही टारगेट है। अ सक्सेसफुल कंपनी इज लेड बाय इफेक्टिव एंड एंटरप्रेन्योरियल बोर्ड हुज रोल इज टू प्रमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस। उत्तम मार्क करके रख लो, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस। तो सबसे पहला टास्क क्या है भाई आपका, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस के ऊपर फोकस करना है अपन को। श्योर है? अपन क्या पढ़ रहे हैं, यूके का कोड 2018। यूके का 2018 में अपन सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ऑफ दिस कोड। फर्स्ट पॉइंट किस चीज का है, वो बोर्ड लीडरशिप के ऊपर। बोर्ड लीडरशिप में हमने सबसे पहले क्या बोला, द प्राइमरी फोकस ऑफ द बोर्ड शुड ऑलवेज बी अबाउट द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज, द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ माय एंटरप्राइज रिगार्डिंग वैल्यू। अच्छा, जनरेटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, व्हाट इज जनरेटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, एनीवन जल्दी कहीं ना। अच्छा, आप लोग अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर रहे हो और ग्रोथ बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी प्रॉस्पर करेगी। अगर वो प्रॉस्पर कर रही है तो इन रिटर्न वो किसके लिए प्रॉस्पर कर रही है, आपके शेयर होल्डर्स के लिए। तो इट रिलेट्स, तो आपका पहला पॉइंट हमेशा किसके होगा, शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करनी है। कैसे प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करोगे शेयर होल्डर्स के लिए, बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ योर कंपनी। फर्स्ट पॉइंट गोज क्लियर। नेक्स्ट, अब ये क्या है, कंपनी के बोर्ड ने, अभी देखो इसने जो ऊपर बोला है ना उसी को वापस रिपीट करेगा। इस थ्योरी का मेन अप्रोच वैल्यूज के ऊपर था, आपके मॉरल्स के ऊपर था, मानते हो। द बोर्ड शुड एस्टैब्लिश द कंपनीज पर्पस वैल्यूज एंड स्ट्रेटजी। बोर्ड का टारगेट है, पर्पस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इट इज द बोर्ड व्हिच इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, आपकी क्या वैल्यूज होंगी उस ऑब्जेक्ट को अचीव करते वक्त। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्ट्रेटजी। ठीक है, बोर्ड का काम है पर्पस वैल्यूज एंड स्ट्रेटजीज बताएं एंड सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट दीज एंड इट्स कल्चर आर अलाइन्ड। ऑल डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट विद इंटेग्रिटी लेड बाय एग्जांपल एंड प्रमोट द डिजायर्ड कल्चर। ठीक है भाई, एक मिनट वापस आते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, यूके कोड 2018 कब से एप्लीकेबल है, 1 जनवरी 2008। खाली यूके की कंपनीज पे है क्या, नहीं, बाहर की कंपनीज भी यूके में आती हैं, चलता है, पर कौन सी वाली, प्रीमियम लिस्टिंग वाली। इनका बिलीव रिजिडिटी पे कि फ्लेक्सिबिलिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे। इनका जो मेन कंसेप्ट है वो किस पे टिका रहता है, कंप्लाई और एक्सप्लेन, कंप्लाई और एक्सप्लेन पे चल रहा है। दीज आर मोर अबाउट द पर्पस एंड वैल्यूज। इसके अंदर आपने मेन कंडक्ट पढ़ते गए, आपने बोला मेन प्रिंसिपल की पहली हेडिंग क्या थी, बोर्ड और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोर्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पहला पॉइंट क्या पढ़ा आप लोगों ने, कि भाई उन लोगों ने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ लानी है और अपने स्टेक होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स के लिए उन लोगों ने वैल्यू क्रिएट करनी है। सेकेंड पॉइंट इसने क्या बोला कि आपके बोर्ड का काम है पर्पस अचीव करे, मतलब पहले पर्पस डिसाइड करे, वैल्यू सेट करे एंड साथ साथ में चेक करे एक स्ट्रैटेजी, और हमेशा देखे कि वो उस स्ट्रैटेजी से अधेयर कर रहा है, उस पर्पस को अचीव कर रहा है विथ दोज सेट वैल्यूज। श्योर, दो पॉइंट एकदम क्लियर है। गोइंग एट थर्ड, द बोर्ड शुड एंश्योर दैट द नेसेसरी रिसोर्सेज आर इन प्लेस फॉर द कंपनी एंड कंपनी टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट देम। द बोर्ड शुड ऑल्सो एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रूडेंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल्स विच एनेबल रिस्क टू बी असेस्ड एंड मैनेज। अब तीसरे वाले पॉइंट में आप लोग रिस्क के ऊपर मार्क कर दो ताकि आपको याद रहे। अब बात समझो, आपने कहा कि यार यूके की कमेटी के कोड के पहली बात थी बोर्ड और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोर्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पहले हम समझ गए कि बोर्ड का काम क्या है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल। सेकंड चीज क्या बोली थी अपन ने इसके अंदर याद रखने के लिए, ठीक है, अरे नहीं वो फर्स्ट है, सेकंड ये हो गया, एग्जैक्टली पर्पस वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज नहीं, ठीक है एकदम। अब थर्ड आपने इसमें क्या बोला, आपने फर्स्ट बोल दिया, सेकंड बोल दिया, अब ये थर्ड क्या बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है इस चीज को चेक करना कि हर बार रिसोर्सेस अवेलेबल है, इन प्लेस है, कि हम लोग कभी भी जब काम कर रहे हैं तो कभी भी हमारा काम रुके ना, वन। एंड सेकेंडली एट द सेम टाइम इसको देखना है कि ये इफेक्टिव कंट्रोल रख रहा है। अच्छा, इफेक्टिव कंट्रोल रख रहा है क्या मतलब क्या होता है, कि कभी भी कोई अगर एक्सटर्नल रिस्क हमारी तरफ आ रहा है तो हमारा कंट्रोल मेजर एकदम तैयार है। इंटरनल कंट्रोल का यही काम होता था, हमेशा देखना अगर कोई थ्रेट आ रहा है बाहर से तो उसे कैसे मैनेज करना है, डन। ये पार्ट है आपके बोर्ड के लीडरशिप एंड कंपनी पर्पस के लिए। यहां तक बोल लो कोई दिक्कत है, ये याद करते हुए चलना है अपन ने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इसको दो मिनट बाद वापस से रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आ गया तुम्हारा वाला कंपनीज एक्ट, सेम डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात समझना,
मेरा जो चेयरमैन है उसका काम है ये देखना कि सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो। मेरे चेयरमैन का काम है कि सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो। जाहिर सी बात है अकेला वो ये सारे काम कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, इफेक्टिवली डिवाइड करेगा काम अमंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल और देखेगा कि सब लोग इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। द चेयर लीड्स द बोर्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल इफेक्टिवनेस इन डायरेक्टिंग द कंपनी। दे शुड डेमोन्स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव जजमेंट थ्रू आउट देयर टेन्योर एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ ओपननेस एंड डिबेट। इन एडिशन द चेयर फैसिलिटेट्स कंस्ट्रक्टिव बोर्ड रिलेशंस एंड द इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एंश्योर दैट डायरेक्टर्स रिसीव एक्यूरेट टाइमली एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन। अब इस पॉइंट को एक बार से मैं आपको रिफ्रेश करके लिखा रहा हूँ। अभी देखो पहले इस पॉइंट का मतलब समझना। बोर्ड की जिम्मेदारी है ओवरऑल इफेक्टिवनेस देखना। बोर्ड का काम है कि हमारा सॉरी चेयर का काम है हमेशा ये देखना कि हमारा जो बोर्ड है वो कंपीटेंट टू डिबेट हो। व्हाट इज कंपीटेंट टू डिबेट, कि अगर हम लोग कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं तो हर कोई एक दूसरे को क्रॉस कर पाए। एक चीज में आप सोचना, अगर मैं अभी आपके साथ साइरस मिस्त्री पे या फिर साइरस के ऊपर कुछ भी केस डिस्कस करूं, कितना पता है आपको उसके बारे में? ठीक है, आपको बस अभी लेटेस्ट ही पता है कि एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि जो पूरा का पूरा रतन टाटा की एक्ट था वो बिल्कुल गलत था और उसको वापस से अपनी पोजीशन पे लेके आओ। आपको यही पता है अभी तक, पहले क्यों इश्यू स्टार्ट हुआ क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। तो आप यहाँ पे डिबेट नहीं कर सकते, मैं जो बोलूंगा ना आप मानोगे। सो व्हाट इज ट्राइंग टू से कि चेयर का काम है कि वहां पे इफेक्टिव ओपननेस रहे एंड डिबेट रहे, मतलब हर कोई अपनी बात रख पाए और एक दूसरे को क्रॉस कर पाए। पर ऐसा कब किया जा सकता है, इफेक्टिव डिबेट कब हो सकती है, इज द नेक्स्ट थिंग कि आप लोगों ने इस चीज को समझना है कि दैट द डायरेक्टर रिसीव एक्यूरेट टाइमली एंड क्लियर इंफॉर्मेशन। तो अपने को इस पॉइंट में से क्या क्या निकाल के रखना है, देखो सेकंड पॉइंट, द चेयर इज रिस्पॉन्सिबल, द चेयर इज रिस्पॉन्सिबल, द चेयर इज रिस्पॉन्सिबल for the effective running of the company, for the effective running of the company, and should always promote a culture of, and should always promote a culture of openness and debate, which can only be achieved when directors receive accurate, timely and clear information. When directors receive accurate, timely and clear information. Simple है point का मतलब समझा, कैसे लिखना था अपने को? I am just making you rewrite these points ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में आपने कितनी सी चीज लिखनी है। यह आपको पूरा इसका पर्पज बताने के लिए, पर एक एक इतना बड़ा बड़ा पॉइंट आप लिख नहीं सकते, अपन ने बस इतने मैंशन करना है। आप वापस से पॉइंट रीड करके देख लें, इट विल मेक द एंटायर सेंस जो सामने लिखा हुआ है। मस्त, चलो आगे। अच्छा एक बार के लिए, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। डिविजन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसके अंडर पढ़ रहे हो आप लोग? प्रिंसिपल्स ऑफ दिस कोड। कोड कौन सा है? यूके का कोड। ईयर 2018। एप्लीकेबिलिटी कब है? रिजिड या फ्लेक्सिबल? कौन से प्रिंसिपल पे चलता है? कंप्लाई और एक्सप्लेन। चलो ई, द बोर्ड शुड इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट कॉमेंट। अब देखो, अब आप समझोगे क्यों मैंने ऊपर नॉन एग्जीक्यूटिव वाली बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने बोर्ड में अप्रोप्रिएट एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रखने। एवरी वन नोज वॉट आर एग्जीक्यूटिव एंड वॉट इज नॉन एग्जीक्यूटिव। एनी वन वॉन्ट्स मी टू डिस्कस ओवर दैट? नहीं ना, चलेगा। अभी के लिए ना एज गुड एज आप एक बार नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए समझ लो, ऐसा इंसान जो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, नॉन एग्जीक्यूटिव खाली इंडिपेंडेंट नहीं होता। सिर्फ हम कहना चाह रहे हैं कि जब आप एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कहना चाह रहे हो, तो ये कह रहा है कि बोर्ड का कॉम्बिनेशन इस तरीके से सेट होना चाहिए कि यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी हो पर अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स भी हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा अच्छे स्केल पर मेंटेन की जा सके। सो द बोर्ड शुड इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इन पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट, कि यहाँ पे जब ये नॉन एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं तो ये किस चीज की बात कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ज्यादा बात कर रहे हैं। सच दैट नो वन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डोमिनेट द बोर्ड्स डिसीजन मेकिंग। देयर शुड बी क्लियर डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द लीडर ऑफ द बोर्ड एंड द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ऑफ द कंपनीज बिजनेस। अच्छा, इस पॉइंट को अगर आप एग्जाम में लिखते तो कैसे लिखते?
आप समझना अपन अप टू द पॉइंट चल रहे हैं, तो कैसे लिखते हैं इस पॉइंट को, लेट्स कीप इट अ बिट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. हैव माय रेडी? हाँ जी. पहला पॉइंट आपको मैंने लिखा है, इस वाले में आप क्या लिखते हैं, लिखो. एक पॉइंट और लिखा रहा हूं, एक दो बार आदत बनाओ फिर धीरे धीरे बनेगी. लिखो, दिस कोड फर्दर प्रिस्क्राइब्स combination of executive and non-executive directors, combination of executive and non-executive directors, combination of executive and non-executive directors, so that no individual or group, no individual or group, no individual or group can abuse or dominate the decision of the board. अच्छा, आपने यहां भी लिखा दिस गोज कंप्लीटली फाइन. साथ में चाहे तो इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, अलॉन्ग विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी शुड बी क्लियरली डिमार्केटेड. पर ये है ना एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर नहीं भी डाला तो चलेगा. अपन ने भी ना सिर्फ कोड का डायरेक्ट इसके अंदर सब पॉइंट बनाना था, तो जो मैंने आपको ऊपर लिखा है वो बहुत था बताने के लिए. अपन ने हर चीज नहीं बता सकते, आप आंसर के अंदर हर चीज कवर नहीं करोगे. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी हैव टू रेफर. चलेगा, एक बार के लिए वापस से देखते हैं कि हमें कितना याद आ पा रहा है. अपन लोग पढ़ रहे हैं यूके 2018, 1 जनवरी 2019 से लगता है. वैल्यूज के ऊपर ज्यादा बात करता है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ज्यादा बात करता है. मेन प्रिंसिपल क्या है, कंप्लाई और एक्सप्लेन. चलेगा आगे. इसके बाद आप लोगों ने क्या बोला कि भाई इसके कुछ प्रिंसिपल कोड है, इस प्रिंसिपल कोड्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था भाई. अरे सर सर आप ऐसे कर दोगे ना पाप. एक और ले लो. इसके कुछ प्रिंसिपल कोड्स हैं. सबसे पहला अपन ने क्या बात करनी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. हमने कहा चेयरमैन, सबसे पहली बात करनी थी चेयरमैन की. ये चेयरमैन की ड्यूटी थी, क्या ड्यूटी उसकी, ओवरऑल सक्सेस के ऊपर उसको देखना है भाई. ओवरऑल आ जाओ जल्दी, आ जाओ सक्सेसफुल का. अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने चेयरमैन वाले पॉइंट पर आ गया. बोर्ड एंड लीडर्स ऑफ द कंपनी, सबसे पहले भाई इफेक्टिव, और साथ साथ में आपको एक एंटरप्रेन्योरियल बोर्ड सेट करना था जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ देखे, जिसमें शेयर होल्डर्स को भी टाइम पर रिटर्न मिले. सेकंड चीज अपन लोगों ने क्या बोली थी भाई यहाँ पे, एग्जैक्टली. सो दिस गोज फॉर योर वैल्यू क्रिएट करनी है, पर्पस क्रिएट करना है एंड एक स्ट्रैटेजी बनानी है, और हमेशा देखना है कि अपन उस स्ट्रैटेजी को अधेयर कर रहे हैं उन्हीं वैल्यूज के साथ. थर्ड चीज अपन ने क्या बोली थी कि आप लोगों ने नेसेसरी मेजर्स लिए, कोई भी फर्दर रिस्क अगर आ रहा है उसको किस तरीके से मैनेज करना है. ये थी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड आई डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी है, द चेयरपर्सन की जिम्मेदारी थी कि वो हमेशा देखे कि इफेक्टिव मैनेजमेंट चलता हुआ जा रहा है, तो ये चेयरमैन ने कर दिया. इसके साथ साथ आप लोगों ने एक और चीज क्या बताई, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करी. नॉन एग्जीक्यूटिव पर्से का क्या रिकमेंडेशन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके बोर्ड के अंदर होने चाहिए. अब आ रहे हो आप नेक्स्ट पॉइंट पे. ये ना नेक्स्ट पॉइंट सिर्फ होता है जबरदस्ती बनाने का तरीका. सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं, हर किसी की बात में एक चीज कॉन्स्टेंट है कि आपको उसको सफिशियंट टाइम देना चाहिए टू मीट आउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इसने बोला कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है ना, सिंस ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो ऐसा हो सकता है कि तुम इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पूरा टाइम ना दो, और पूरा टाइम नहीं दोगे तो ये बेचारे अपना काम सही से नहीं करेंगे, और फिर तुम एक लूपहोल निकाल के अपना कुछ गलत करके चले जाओगे. तो स्पेसिफिकली इन लोगों ने किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. और इन लोगों ने कहा दैट द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शुड बी गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू मीट देयर बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. श्योर है? तो थर्ड पॉइंट तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो इसके आगे वाला जो पॉइंट है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बात है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करेगा. उसका काम है कंस्ट्रक्टिव चैलेंजेस को देखना, स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देना, स्पेशलिस्ट एडवाइस देना एंड मैनेजमेंट को अकाउंटेबल करना. सही बात है, इंडिपेंडेंट है, मैनेजमेंट को अकाउंट करेगा, इंडिपेंडेंट है. अच्छा एक मिनट, हु बिकम्स एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी लॉ याद करो. आप यूजुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाते हो तो जो कोई रिलेटेड, नहीं आई गेट इट, बट लेट्स सपोज आज मुझे यस अकेडमी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाना है, आई नो ही इज नॉट रिलेटेड ब्ला 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 एवरीथिंग, बट मेरे सामने 10 लोग खड़े, किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाऊंगा मेरा. अच्छा सारे के सारे कंपीटिंग है, सारे के सारे कॉम्पिटेंट है, सारे के सारे एडुकेटेड है. अब
बात समझिए यार, होशियार तो 10 के 10 हो सकते हैं ना, हमें ये देखना है कि मेरे बोर्ड में कौन से स्पेशलिस्ट, कौन से एक्सपर्ट की जरूरत है। तो आप जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ला रहे होते हो तो पहले आप उसकी इंडिपेंडेंस नहीं, पहले आप उसकी क्वालिटी चेक करते हो कि क्या वो मेरे बोर्ड के लिए कंपिटेंट है, उसके बाद उसकी इंडिपेंडेंस को चेक करते हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट हो या ना हो, पर पहले ये तो समझ लो कि वो मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं है। यहाँ पे बात समझ में, तो ये है स्पेशलिस्ट एडवाइस देगा, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम है, आपको अकाउंटेबल किया, स्पेशलिस्ट देगा, आपको गाइड करेगा, साथ साथ में कंस्ट्रक्टिव चैलेंज। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव चैलेंज? आपके रिस्क मैनेजमेंट में आपका साथ देगा, ये कंस्ट्रक्ट करेगा कि क्या क्या अपकमिंग चैलेंजेस है जो हम लोगों ने फेस करने, उसी में आपको गाइडेंस देगा, एडवाइस देगा और आपको अकाउंटेबल करेगा अगर आप लोगों ने सही से काम नहीं किया तो। श्योर इनफ, ये वाला पॉइंट आंसर में मेंशन नहीं किया, चलता है, ऊपर वाली चीज मेंशन जरूर करना, ठीक है। अच्छा, अभी एक बार वापस से देख लेते हैं, चेयरपर्सन का काम है कि भाई उसने क्या करना है, सारा देखना है कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस और पूरी की पूरी टोन अच्छे से सेट होनी चाहिए, साथ साथ में उसको देखना है कि भाई सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स को एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिल रही ताकि वो लोग हमेशा ओपननेस और डिबेट कर पाएं। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा, बोर्ड में एडिक्वेट कॉम्पोजिशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, बाय नॉन एग्जीक्यूटिव वी पर्टिकुलरली मीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। थर्ड, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सफिशियंट टाइम देना है ताकि वो आप लोग को गाइड कर पाएं, मॉनिटर कर पाएं, आप लोग को अकाउंटेबल होल्ड कर पाएं, आप लोग को कोई एडवाइस चाहिए एडवाइस दे पाएं। नेक्स्ट, द बोर्ड सपोर्टेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, लो भाई थोड़ी इज्जत आपके लिए है, द बोर्ड सपोर्टेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी शुड एंश्योर दैट इट हैज द पॉलिसीज प्रोसेस इन्फॉर्मेशन टाइम एंड रिसोर्सेज इट नीड्स इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। इसको आप कैसे, अच्छा इस पॉइंट को कैसे लिखोगे, पॉइंट का मतलब समझ गए, that the board should be supported by the company secretary, और company secretary क्या करेगा आप लोग के लिए, policies, process, information set कर देगा ताकि आप लोग बहुत effectively and efficiently काम कर पाओ। इसको कैसे लिखोगे, ये लिख देंगे सर back to back, उसमें क्या सही। फर्दर अ कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अपॉइंटेड इन द बोर्ड, फर्दर अ कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अपॉइंटेड इन द बोर्ड, फर्दर अ कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, फर्दर अ कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड फॉर पॉलिसी अधेरेंस, फॉर पॉलिसी अधेरेंस लिख लिया, पॉलिसी अधेरेंस, इंफॉर्मेशन एलोकेटर, इंफॉर्मेशन एलोकेटर and all and any other functions, and all and any other functions to be performed for effective and efficient working, to be performed for effective and efficient working all and effective all functions for effective and efficient functioning। श्योर है, ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पे सब कुछ क्लियर। 2018 की कमेटी थी, अपन लोगों ने इसमें दो जो सब चीज़ें बताई आपने मार्क करिए। इसके बाद आप लोगों ने बोर्ड की बात करी, आप लोगों ने हमेशा एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करनी थी, सक्सेस की बात करनी थी, अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू वेल्थ बढ़ानी है। उसके बाद फर्दर इसने क्या बोला कि कंपनी का पर्पस सेट करो, वैल्यूज सेट करो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ और इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू उस पर्पस को अचीव करो अपने वैल्यूज को होल्ड करते हुए। थर्ड चीज पे इसने क्या बोला था, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा सही से करना है, फ्यूचर रिस्क को हमेशा देखते रहना है, कैसे उसमें आप लोग हेल्प कर सकते हो देखते रहो। डिवीजन, चेयर का काम है सक्सेसफुल मॉनिटर करना कि सब काम सही से डिवाइड हो रहा है, इन्हीं का काम है कि बोर्ड में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचे ताकि ओपननेस और डिबेट हो पाए। नेक्स्ट चीज, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमारे बोर्ड में एकदम प्रॉपर कॉम्पोजिशन में होने चाहिए। थर्ड, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सफिशियंट टाइम मिलना चाहिए। एंड लास्ट, यू शुड हैव अ कंपनी सेक्रेटरी जो आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन एलोकेट करवा पाए, टाइमली आपको बाकी सारे कंप्लाइंसेस करवा पाए ताकि आप लोग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर पाए। अब आप जा रहे हो ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल में
ये पॉइंट एकदम टाइम पास है। अच्छा, ऑडिट की बात आई, मतलब चेकिंग की बात आ रही है, और चेकिंग की बात आई मतलब ईमानदारी की बात आ रही है, और ईमानदारी की बात मतलब ट्रांसपेरेंसी। ये पूरा का पूरा पार्ट ट्रांसपेरेंसी के ऊपर चलेगा अपना। अभी क्या बोल रहा है, द बोर्ड शुड एस्टैब्लिश फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज। बोर्ड का काम क्या है, फॉर्मल पॉलिसीज बनाए, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज बनाए, एंड प्रोसीजर टू इंश्योर इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। खत्म, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। बोर्ड का काम है कि आपने ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है और इफेक्टिव है। किस चीज के लिए, इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए और इफेक्टिविटी चेक करने के लिए, मेरे इंटरनल ऑडिटर की और मेरे एक्सटर्नल ऑडिटर की। कैसे लिखते हैं इस पॉइंट को, द बोर्ड मस्ट ड्राफ्ट, एक मिनट पहले सुन लो उसके बाद लिखा देता हूं, द बोर्ड मस्ट ड्राफ्ट suitable policies which are transparent in nature in order to check the functioning of internal audit as well as external audit. Goes fine? आपके हिसाब से लिख दो इसको, this is what was expected इस point के अंदर, खत्म है। मैं पर्पसफुली थोड़ा सा एथिक्स स्लो ले रहा हूँ ताकि आपको याद होता हुआ चले, बाद में आप लोगों को बहुत इरिटेट होगा याद करने में, इसलिए बार बार रिपीट कराता हुआ चल रहा हूँ। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड में आपको ऐसा लगेगा कि काफी टाइम तक याद है। फिर सिर्फ एक बार रीड भी करोगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस, कि आपका मैं बुलेट मार्क्स और पूरा का पूरा एथिक्स अपन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लिखते 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 चलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी अपन ने क्या एक्सपेक्टेड आंसर लिखना है। सो इफ आई से राइट नाउ, ये ऑडिट रिस्क तक का और अपने को आंसर लिखना है, क्या अपन कंसाइज अप टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हैं? दिस इज व्हाट इज ड्राफ्टेड। और यही बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं पड़ता कि क्या लिखना है, क्या कट करना है, क्या लिखना है, क्या कट करना है। तो वी विल ट्राई कि चाहे 5-7 घंटे अपने इस पोर्शन में ज्यादा लग जाए या फिर इवन 10 घंटे ज्यादा लग जाए, पर अपन लोग लिखने की पूरी टोन स्टार्टिंग से ही सेट करके चले, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू देन गोइंग अहेड। अच्छा, इसी में एक चीज समझना, दिमाग लगाओ और याद करो, ऑडिटर क्या करता है? सर, ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु एग्जामिन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू गिव एन ओपिनियन देयर ऑफ। सही बात है, अब बात समझना, वो क्या एग्जामिन कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन कर रहा है, इसका नेक्स्ट मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले किसी ने बना दिए होंगे। अगर बना दिए हैं तो मतलब ये मेरे बोर्ड ने साइन कर दिए होंगे, और इसको साइन कर दिया मतलब मेरे बोर्ड ने इसको रिव्यू कर दिया होगा। सही बात है ना। सो क्या मैं कह सकता हूं कि जब आप इंटरनल रिस्क एंड इंटरनल ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज बनाना। किस चीज के लिए, इफेक्टिविटी देखने के लिए कि भाई हमारा इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट कौन सा है, कैसा है। एंड एट द सेम टाइम ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, क्या वो इतनी बेसिक इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज आगे की तरफ देखना, एंड ऑल्सो टू सेटिस्फाई इटसेल्फ ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड नैरेटिव स्टेटमेंट। अच्छा, व्हाट इज फाइनेंशियल एंड नैरेटिव स्टेटमेंट्स, व्हाई हैव वी यूजिंग दिस नैरेटिव स्टेटमेंट्स, दैट मींस एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट व्हिच इज एक्सप्लेनिंग फर्दर योर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो ये दोनों चीजों की इंटेग्रिटी की जिम्मेदारी भी कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये क्या मतलब हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो और कौन लेगा। सोच के देखो, इवन ऑडिट करने के बाद भी अगर हमें पता पड़ता है कि कोई फ्रॉड है, तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी हम किसकी लाते हैं, बोर्ड की लाते हैं ना। तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई आप खुद ही पहले से एक अच्छे से सेट स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लो, जिसकी वजह से कभी भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन ही नहीं आए। उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाएगी और ऑडिट का काम सिंपल हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। ये था आपका एच पॉइंट, जहां पे अपन लोगों ने क्या याद रखना है, दैट ट्रांसपेरेंट पॉलिसी शुड बी मेड फॉर इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट एंड इफेक्टिव एक्सटर्नल ऑडिट, एंड एट द सेम टाइम द बोर्ड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू सी दैट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज्ड आर इंटीग्रल एंड नाइसली मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। श्योर नाउ, नेक्स्ट अबाउट द बोर्ड शुड प्रेजेंट, अभी देख लो, फेयर बैलेंस्ड एंड अंडरस्टैंडेबल असेसमेंट ऑफ द कंपनीज पोजिशन। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। आपकी एनुअल रिपोर्ट आपने देनी है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपने एकदम अपनी फेयर बैलेंस्ड अंडरस्टैंडेबल पोजिशन बतानी है। सत्यम का यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी, कभी भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में अपनी फेयर इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं था। दुनिया के हिसाब से सत्यम ग्रो कर रही थी, इसीलिए उसमें ज़्यादा लोग पैसा लगा रहे थे, इसीलिए उसके शेयर प्राइस बढ़ रही थी। सत्यम के ऑडिट स्कैम को देख लो, सत्यम के ऑडिट स्कैम को देख लो आप लोग। उन लोगों के ऑडिटर्स ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अलाउ कर रखा है। सत्यम सेज कि हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं एट 0.1% यील्ड,
एंड ऑडिटर कह रहे हैं हाँ सही इन्वेस्टमेंट है, मतलब अगर अपन लोग भी चेक करते ना तो अपन बोलते भाई 0.1% यील्ड इतना ज्यादा पैसा कहाँ से ला रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट बींग सार्कास्टिक कि 0.1%, अरे सेविंग अकाउंट में भी पैसा रखा होता ना तो 4% कटता और ऊपर से कोटक में चला जाता तो पाँव छू के 6% देते, तो ऐसी हालत थी। और तू बोल रहा है तू 0.1% की इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, प्लस ऑडिटर्स भी उसको अलाउ कर रहे हैं, और वो लोग अपने एनुअल रिपोर्ट में यही दिखा रहे थे कि भाई कंपनी एकदम सही जा रही है, बहुत आराम से हम ग्रो कर रहे हैं, और अंडरस्टैंडेबली ऐसा दिखा रहा था खर्चे कहाँ हो रहे हैं, ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, पैसा बहुत आ रहा है पर खर्चे कहाँ हो रहे हैं, हमारे इंप्लॉयज बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बड़े बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है वहाँ इन्वेस्टमेंट है, जबकि इंप्लॉयज के नाम पर उनके इंप्लॉयज बहुत कम थे, सिर्फ ऑन पेपर इंप्लॉयज ज़्यादा काम कर रहे थे, ये सारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए। यही आपका सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है कि बोर्ड ने फेयर एंड बैलेंस्ड पोजिशन बतानी है एंड अंडरस्टैंडेबल पोजिशन बतानी है ताकि सामने वाला बंदा आपके बारे में एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर आइडेंटिफाई कर पाए। श्योर, एक सेकंड वापस से अपन पढ़ रहे हैं ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल की बात। हमने बोला ऑडिट की बात चल रही है ना, मतलब सबसे पहला आपने ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज बनानी टू मॉनिटर व्हाट द इफेक्टिविटी ऑफ योर इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट एंड एट द सेम टाइम आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की इंटेग्रिटी भी आप ही की जिम्मेदारी है मेंटेन करना। हमने बोला कि भाई ये रिस्क की बात थी या ऑडिट की बात थी, तो सेकंड में आप ही की एक और जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी? आपने जो भी अपनी पोजीशन के बारे में आप बता रहे हैं, आपने एक फेयर पोजीशन दिखानी है, अंडरस्टैंडेबल पोजीशन दिखानी है एंड एट द सेम टाइम बैलेंस्ड पोजीशन दिखानी है ताकि लोग समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। द बोर्ड शुड एस्टैब्लिश प्रोसीजर टू मैनेज रिस्क। इस वाले पॉइंट को जेन्युइनली इतना ही लिखना है दैट फर्दर द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ प्रोसीजर टू मैनेज फ्यूचर रिस्क ओवरसी, अच्छा फ्यूचर नहीं भी लिखा तो रिस्क आर ऑलवेज फ्यूचर, मैनेज रिस्क ओवरसी द इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड द डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल रिस्क द कंपनी इज विलिंग टू टेक इन ऑर्डर टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पॉलिसी। अब देखो उसने क्या बोला, बोर्ड को डिटरमाइन करना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। डू यू रिमेंबर अ पॉइंट जो आपने कंपनी लॉ में अपनी जवानी में पढ़ा होगा, रिस्क रिटर्न, कभी पढ़ा है रिस्क रिटर्न? अपन ने कल करी थी के बाद, बहुत ही बढ़िया। तो रिस्क रिटर्न की बात, जाहिर सी बात है कि मेरा रिस्क 1.5 करोड़ का है और 50 लाख का रिटर्न है, मैं कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, उल्टा होगा ना तो मैं रिस्क लूंगा। सो ऑब्वियसली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड कि रिस्क कितना है और इसका रिटर्न कितना है। रिस्क बहुत कम है, रिटर्न ज्यादा है, ऑलवेज गो फॉर इट। रिटर्न बहुत कम है, रिस्क बहुत ज्यादा है, नेवर गो फॉर इट। अगेन इसकी है ना, अगर अपन लोग थोड़ी सी हायरार्की अप्रोच देखें ना तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इवन अगर रिस्क ज्यादा है तभी रिटर्न्स तो है ना, तो पीपल गो हैड टू डू दिस। सो इट्स नॉट कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिस्क ज्यादा और रिटर्न कम हो तो मना ही कर देना चाहिए, बट प्राइमरली एडवाइजेबल ये होता है कि भाई एक बार के लिए अगर रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है तो डू नॉट गो फॉर इट, दिट्स एज सिंपल एज दैट। गोइंग एट कौन से वाले पॉइंट पे थे? हाँ, तो इस जे पॉइंट को कैसे लिखोगे एक बार के लिए? इसको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है अपन ने, ज्यादा नहीं करना। The risk which they are willing to take. And how that risk is going to be managed. अच्छा ना, अभी आपको लग रहा हो कि अरे यार है ना ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, बड़ा सिंपल सा ही पॉइंट था, थोड़ी देर में आदत बन जाएगी, डोंट वरी विद दिस। मतलब अपन 5-7 लेक्चर ऐसे ऐसे चलेंगे ना, आपकी आदत बन जाएगी, आप अपने आप लिखोगे, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, दिस हैपेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट अपन बढ़ रहे हैं रेमुनरेशन। अच्छा देखो ना, रेमुनरेशन की बड़ी सीधी बात है। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि हमारा रेम्यूनरेशन हम डिसाइड करेंगे, हमने कहा नहीं, तुम डिसाइड नहीं करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं खुद का रेम्यूनरेशन डिसाइड करूंगा तो वो ज्यादा ही होगा। वन सेकंड, इस कमेटी ने क्या बोला ना कि दोस्त एक काम कर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन सेट कर दो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और उनकी क्या कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर सेट कर दो। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आपको ज्यादा रिटर्न है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी आपको भी अच्छा रिटर्न नहीं है। आपने कहा सर ये तो अपने आप ही होता है, 11% मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, सो प्रॉफिट होगा तो 11% मिलेगा, इन केस ऑफ डेफिसिट आपने वो टेबल पड़ी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा खाली यहाँ पे 60 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख प्लस समथिंग ऐसे याद है, 0.1% ऐड करते हो तो वो वाली टेबल पे चले जाओगे आप। तो
तो आपने बोला अच्छा, तो द आइडिया ऑफ रेम्यूनरेशन बीइंग लाइक दिस इसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा मोटिवेटेड रहे कि जितना अच्छा वो काम करेंगे, जितना वो कंपनी को ग्रो करेंगे, उसी टाइम पे आपका रेम्यूनरेशन भी बढ़ेगा। पर समझना क्यों इस पॉइंट को एंड में रखा गया है कि दोस्त, रेम्यूनरेशन इज द लास्ट थिंग टू बी एक्सपेक्टेड। उससे पहले आपने कंपनी का रिस्क मॉनिटर करना है, उससे पहले आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी है और अपनी मॉरल्स एंड वैल्यूज क्लियर रखने हैं, उसके बाद रेम्यूनरेशन। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इस कमिटी ने यही बोला कि हम आपका रेम्यूनरेशन ले तो आपकी परफॉर्मेंस पे जा रहे हैं, पर ये परफॉर्मेंस गलत तरीके से नहीं आनी चाहिए। श्योर इनफ। तो रेम्यूनरेशन वाले में आप चाहो ना तो आप डायरेक्ट खुद के पॉइंट्स भी लिख सकते हो, बट क्योंकि ये एथिक्स का पेपर है और दिक्कत क्या है कि स्टैंडर्ड आंसर डायरेक्ट मॉड्यूल से बनाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा एक बार लैंग्वेज का आइडिया रखते हैं और फिर अपन सिंप्लीफाई करते हैं और क्रक्स निकालते हैं। आ जाओ। रेम्यूनरेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस शुड बी डिजाइंड टू सपोर्ट स्ट्रेटजी एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस। इसने क्या बोला, जो आपकी रेम्यूनरेशन पॉलिसी और जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्यों कैसे बनानी है, आपकी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करते हुए और लॉन्ग टर्म सक्सेस आए उस हिसाब से बनानी है। एक बार में ज्यादा रिटर्न दे दोगे तो कंपनी के ऊपर प्रेशर है, बिल्कुल नहीं दोगे तो स्कैम और फ्रॉड करने जाएंगे। तो दिमाग लगाना है कि कितना पैसा दे जिससे लॉन्ग टर्म सक्सेस आएगी हमको। एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन शुड बी अलाइंड टू कंपनी पर्पस एंड वैल्यूज। एग्जीक्यूटिव मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन किससे मैच कराना है, मेरे कंपनी का क्या पर्पस है और मेरी कंपनी के क्या वैल्यूज हैं, एंड बी क्लियरली लिंक टू द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द कंपनीज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। अगर मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपका रेम्यूनरेशन भी किससे चलेगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेगा। अच्छा, अब इस पॉइंट को लिखोगे कैसे? द रेम्यूनरेशन ऑफ द बोर्ड, द रेम्यूनरेशन ऑफ द बोर्ड must, the remuneration of the board must be linked with the purpose and the successful completion of that purpose that is successful completion। एक काम करो ना प्लीज, कंप्लीशन की जगह पे अधेरेंस वर्ड यूज करो ना, सक्सेसफुल अधेरेंस टू द कंपनीज स्ट्रैटेजी, दैट इज सक्सेसफुल अधेरेंस टू द कंपनीज स्ट्रैटेजी। श्योर एनफ? ठीक है। अच्छा, एक नीचे वाले पॉइंट में हल्का सा मिसस्टेटमेंट है, उसमें जो 10 दिख रहा है ना एल वाले पॉइंट में, वो कट कर दें प्लीज। ठीक है। अब इसने क्या बोला कि रेम्यूनरेशन के लिए ना एक ट्रांसपेरेंट तरीका निकालो भाई, क्यों इस बंदे को इतना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मुझे उसका एक ट्रांसपेरेंट रीजन चाहिए। मतलब कि एक फेयर तरीका ऑफ कैलकुलेटिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग पॉलिसी ऑन एग्जीक्यूटिव्स रेम्यूनरेशन एंड डिटरमाइनिंग डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट्स, उसको 10 की जगह मैनेजमेंट्स कर देना, मैनेजमेंट्स रेम्यूनरेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड, नो डायरेक्टर शुड बी इन्वॉल्व्ड इन डिसाइडिंग देयर ओन रेम्यूनरेशन आउटकम, ऑलरेडी बात कर ली थी। अच्छा, अब इस पॉइंट का पहले मतलब समझ लो। इसने कहा पहली बात, एक डायरेक्टर खुद का रेम्यूनरेशन खुद ने डिसाइड करेगा और हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिससे हम कैलकुलेट कर पाएं कि एक एग्जीक्यूटिव को इतना पेमेंट मिलता है तो क्यों मिलता है। कैसे लिखोगे इस पॉइंट को? दिस शुडेंट बी, ओके ओके, राइट।
The committee in the end recommends. The committee in the end recommends a systematic procedure. The committee in the end recommends a systematic procedure to be established for executive remuneration. In which the primary focus is that no director decides his own remuneration. सिंपल आहे का? पक्का समझ में आ रहा है एकदम? ठीक, चलो लैंग्वेज की आदत पड़ जाएगी, थोड़ी देर रुक जाओ, आएगा आपको, धीरे धीरे होल्ड आएगा. लास्ट भाई, कुल मिला किसने क्या बोला? तुम मैनेजमेंट में हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे हिसाब से काम करोगे, डिस्क्रिशन तुम्हारा, जजमेंट तुम्हारा. बस याद रखना कि कभी इस डिस्क्रिशन का अब्यूज ना करो, कभी इस जजमेंट का अब्यूज ना करो. सो द डायरेक्टर शुड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड डिस्क्रिशन व्हेन ऑथराइजिंग रेम्युनरेशन आउटकम, टेकिंग अकाउंट ऑफ कंपनी एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड वाइडर सर्कमस्टेंसेज. तो इसने क्या बोला कि भाई देखो, सीधी बात है कि जो भी डायरेक्टर्स आप लोगों के सामने आपका रेम्युनरेशन डिसाइड करवा रहे हैं, उनका काम क्या है, आपका डिस्क्रिशन है कितना पैसा देना है, इंडिपेंडेंट जजमेंट है. बस कभी भी इसका अब्यूज ना करो, और जो भी रेमुनरेशन आप दे रहे हो, आप कंपनी को मद्देनजर रखते हुए दोगे, कंपनी का ऑब्जेक्ट देखते हुए दोगे, और ये डायरेक्टर उसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए अपन इसको इतने पैसे दे रहे हैं. सही बात है. सो लास्ट पॉइंट गोज, while deciding remuneration, performance of the director should be given priority. While deciding remuneration, performance of the director should be given priority. And the judgment or discretion must not be biased. Sure hai kya? क्या वापस लिखाऊं? कुछ डाउट आया? ठीक है, ये सबसे ज्यादा आने का चांस था. जो मतलब ये जो बाहर के कॉर्पोरेट ग्लोबल साइज देख रहे हो ना, उसके अंदर ये गवर्नेंस की थ्योरी अभी सबसे लेटेस्ट भी है, सबसे ज्यादा अच्छी भी है, एंड इट मेक सेंस, एंड इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इनकलकेट की गई है. सो दे कैन आस्क यू अबाउट यूके, तो अपन ने बहुत मेजर टाइम उसके पर स्पेंड किया है. इसके बाद अपन चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के बाद अपन ने चलना है साउथ अफ्रीका, सिंगापुर के बाद साउथ अफ्रीका है क्या? हाँ, सिंगापुर देन साउथ अफ्रीका. तो सफर एकदम बढ़िया है, तुम्हारा पूरा टूर चल रहा है. अच्छा, अब है ना, यहाँ से आपको ना थोड़ा सा, देर इज अ चांस, मैं सिर्फ आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, देर इज अ चांस कि आपको थोड़ा थोड़ा बार बार सिमिलैरिटी लगे, एंड यू फील लाइक यू नो ये वहाँ पे भी है, ये वहाँ पे भी है, तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं, ये वहाँ पे भी है तो हम वहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी लिखेंगे, इट डजंट मैटर. तो अपन ने करना क्या है ना, अब एक सेकेंड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. आप अगर चाहो ना तो कुछ कॉमन पॉइंट्स बना सकते हो जो हर जगह एप्लीकेबल हो. सो आप क्या कर सकते हो ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि मान लो कि कुछ प्रिंसिपल आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आते हुए दिख रहे हैं और कुछ प्रिंसिपल्स आपको यूके के अंदर भी आते हुए दिख रहे हैं. आप स्ट्रेट अवे एक हेडिंग डाल दो, कॉमन पॉइंट्स फॉर यूके ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर साउथ अफ्रीका, और यूके ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका अमेरिका, जहां जहां आपने को जो जो दिख रहे हैं उसके कॉमन पॉइंट्स डाल दो. तो आपको याद रहेगा कि भाई इसका आंसर हो, इसका आंसर हो, ये तो स्ट्रेट अवे डालना है, जैसे आप लोगों ने इस टेस्ट में किया था. रिटेल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कॉमन पॉइंट्स, सब एकदम कॉमन पॉइंट्स चला दिए आप लोगों ने जब भी कहीं जरूरत पड़ी. सो सेम, बस अपने वैसे ही करना है एकदम. ठीक है, तो कॉमन पॉइंट्स लिख लो. सो लेट्स यूज दिस कॉमन पॉइंट्स इन आर बेनिफिट एंड डू नॉट टेक इट अदरवाइज. ये अपने फायदे की चीज है कि कॉमन पॉइंट्स है, आपको कम याद करना पड़ेगा. ठीक है, चलो अब आ रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया. इसका फर्स्ट पैराग्राफ एकदम राहुल गांधी है.
ठीक है, दैट्स अनइम्पॉर्टेंट. तो प्लीज़ उसको आप चाहें तो बुरी तरीके से काट सकते हैं जैसे उनका कटा है. पर इसके अंदर वॉट दे आर ट्राइंग टू सेज कि भाई ना ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मल्टीपल टाइम अलग अलग एडिशन निकले और अपन जो डिस्कस करने वाले हैं ये फोर्थ वाला एडिशन है जिसमें अपन ने मेजर बात करनी है. तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ देख लो, इट इज जस्ट गोइंग टू टेल यू कि अपन फोर्थ एडिशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, देखा क्या? सो अ सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश इन 2007, अ थर्ड इन 2014 एंड इन 2017, मतलब ये यूके के पहले वाला रिकमेंडेशन है. हैंस आई टोल्ड यू कि यूके ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे लेटेस्ट रिकमेंडेशन है. 2017 में इट वॉज एन अप्रोप्रिएट टाइम टू कमेंस वर्क ऑन अ फोर्थ एडिशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस टू एड्रेस. अब देखो फोर्थ एडिशन का पर्पस क्या था, मतलब ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड रिकमेंडेशंस जो है, ये फोर्थ एडिशन क्यों आया, यहां से अपने को लिखना है. सिंपल है, इसने क्या बोला, टू एड्रेस इमर्जिंग इश्यूज अराउंड कल्चर वैल्यूज ट्रस्ट. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं वो क्या कल्चर फॉलो कर रहे हैं, किन वैल्यूज के साथ काम कर रहे हैं और कहां वो लोग लैक कर रहे हैं या बोर्ड को लॉसेस क्रिएट कर रहे हैं, उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये फोर्थ एडिशन निकला ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस. ठीक है, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस, अगर इसने पूछा कि भाई ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताइए. So, the Australian Corporate Governance Principles and Recommendations have been given at multiple various times. The recent study or the recent recommendations have been coming out from 2017. In the 2017 recommendation, the agenda of this recommendation has been corely and centrally realized and been to the values and the trust factor of the board. Sure enough, kaise likhna hai? Likha ke doon? Likh lo. Wo starting phase hai na tumhara. तो थोड़ा प्यार से चलता हूँ, दो चार दिन रुक जाओ. द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड रिकमेंडेशंस इन ऑस्ट्रेलिया द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन इन ऑस्ट्रेलिया have been recommended at multiple times, has been recommended at multiple times recently in 2017. The fourth edition was published dealing with the issues around culture, values and trust. सही बात है, बस इतना इंट्रोडक्शन होता है दोस्त. सही है, अब ऐसा इंट्रोडक्शन आप यूके का लिख सकते हैं. अपने यूके के बारे में पढ़ा था मैंने ना आपको, जान पूछ के यूके में मल्टीपल चीजें मार्क कराई थी कि भाई कौन से प्रिंसिपल पे चलता है, कौन से ईयर में आया था, कब से एप्लीकेबल होता है. देखो मैंने वहां पे भी ईयर किया था, यहां पे भी ईयर मेंशन किया, वहां पे भी उसकी सेंट्रल थीम मार्क कराई थी, इस पे भी सेंट्रल थीम मार्क कराई थी. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब आपसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन में ऐसी सेंट्रल थीम बताओ हल्की सी, उसके बाद अपन पकड़ेंगे कि उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे. श्योर इनफ है, आपने वहां पे भी पहले उसका एक पहला इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके प्रिंसिपल्स पकड़ने. अब वो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बॉक्स फॉर्म में दिए थे एकदम, ठीक है. अब ये वाले प्रिंसिपल्स अपन हल्का सा पैरा फॉर्म में देखते हैं. और अच्छा, ये भी ना बड़ा मैच करेगा, डरो मत. इसकी सेंट्रल थीम क्या है, इफ नॉट व्हाई नॉट. वो किस पे चल रहा था, कंप्लाई और एक्सप्लेन. तो कोई बात नहीं, अभी आपने लिखने की जरूरत नहीं, उसमें अपन आगे ऐड करेंगे. अभी के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इसकी थीम इफ नॉट व्हाई नॉट अप्रोच है, वो चल रही थी कंप्लाई और एक्सप्लेन. पर देखना मतलब कितना मैच करेगा. एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इन्हीं चीजों में आपको ऐसा लगता है कि ना बड़ा सिमिलैरिटी आ रही है. सो डोंट वरी, आपने देखो, अब आप ये नहीं कर सकते कि आप लिख दो कि ये कंप्लाई और एक्सप्लेन पे चल रहा है.
आप इसको ये नहीं कर सकते, इसको आपको इफ नॉट वाई नॉट ही लिखना पड़ेगा, वी कांट चेंज दिस, दिस इज फॉर श्योर, बट अगेन उसका जो मतलब होगा वो अपन वापस से मैच करेंगे, तो मतलब मैच करेंगे, पर इनके प्रिंसिपल्स की सेंट्रल थीम का नाम चेंज नहीं किया जा सकता, और मैं तो हाँ बोल भी दूंगा, एग्जामिनर हंस देगा तुम पे, तो मुझे कोई फर्क नहीं है, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। आ जाए, लेट्स स्टार्ट। अब वापस से इसने क्या बोला कि अगर आपने ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज पे आना है, अगर आपने ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज पे आना है, दैट इज ASX। अब इसने क्या बोला, दीज प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस सेट आउट रिकमेंडेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉर एंटिटीज एडमिटेड टू ASX ऑफिशियल लिस्ट एज एन ASX लिस्टिंग रिगार्डलेस ऑफ द लीगल फॉर्म दे टेक। आप किस फॉर्म में आए हमें फर्क नहीं पड़ता, पर क्या आप ASX पे लिस्टेड है उनके लिए बनाए। एक सेकेंड, UK के नॉर्म्स भी किसके लिए बने थे, प्रीमियम लिस्टिंग के लिए, मतलब अगेन लिस्टेड कंपनीज की बात चल रही है, तो इनके रिकमेंडेशंस देख रहे हो ना कहाँ चल रहे हैं, जो भी कंपनी ASX पे लिस्टेड है, जो भी कंपनी UK की प्रीमियम लिस्टिंग के अंदर आती है, उनके लिए ये लोग नॉर्म्स बना रहे थे। बात पकड़ते हुए चलना वापस से, इसने बोला जो लोग भी ASX पे लिस्टेड है रिगार्डलेस ऑफ कि वो किस फॉर्म में आए थे और हमारे पास लिस्ट हुए हैं, दैट इज सेकेंडरी, वेदर दे आर एस्टैब्लिश्ड इन ऑस्ट्रेलिया और एल्सवेयर। यूके में भी यही था, मतलब सेम थीम चल रही है, एकदम सेम थीम चल रही है। And whether they are internally or externally managed. अच्छा, what is internally or externally managed? कभी funding में बात की थी मैंने इसके ऊपर, exactly, कभी कभार तो आपके पास खुद का एक बोर्ड होता है, और कभी कभार आप क्या करते हो, कोई बाहर से प्रोफेशनली हायर टीम लेके आते हो जो इसको पूरा मैनेज करती है। सो इफ इट इज इंटरनली मैनेज मतलब आपके पास इन हाउस पूरी टीम है, एक्सटर्नली मैनेज मतलब एक प्रोफेशनल टीम सेट आउट है जिससे आप इसे मैनेज करवा रहे हो। हमें फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी फॉर्म में हो, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपको कैसे मैनेज किया जा रहा है, हमारी बात है क्या आप ASX पे लिस्टेड हो। द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड, सो द मैनेजमेंट इज नॉट माई ड्यूटी, द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट माई ड्यूटी, द पॉइंट इज आर यू लिस्टेड ऑन ASX, इफ यू आर यू हैव टू कंप्लाई विथ द 2017 रिकमेंडेशंस। श्योर इनफ, बाकी सब कुछ एकदम सिमिलर चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। आ जाओ, the principles whether they are internally or externally managed, the principles and recommendations are not mandatory and do not seek to prescribe the corporate governance practices that a listed entity must adopt. ek second, usne bhi flexibility ki baat kari thi, flexibility ki, aur isne bhi kya bola ki ye jo principles hai na ye recommendations hai. aap dekho bar bar aapke answer mein aap word use kar rahe ho recommendation, to ye kya bol raha hai, so the principles and recommendations are not mandatory and do not seek to prescribe the corporate governance practices that an entity must adopt. ठीक है, तो अगेन आपने इसके अंदर अपने आंसर में हमेशा लिखना है दैट दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग पर से बट आर एडवाइजरी, दीज आर नॉट बाइंडिंग पर से बट आर एडवाइजरी विच अ कॉर्पोरेट और एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस मस्ट अधेर व्हेन लिस्टेड विथ ASX। श्योर इनफ, नाउ इनकी अप्रोच क्या है, इफ नॉट why not, so they the sorry the if not why not approach is fundamental to the operation of principles and recommendation. This approach ensures, ab dekho isne kya bola, isne na information ke upar zyada baat kari hai, if not why not mein inka main focus kya hoga, information ke upar hoga, that the market receives an appropriate level of information. aapne nahi kiya bas ye bata do kyun nahi kiya, india if not why not follow karta hai ki nahi, corporate governance karna matlab CSR karna aapka राइट है, आपका ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है, नहीं किया तो सिर्फ रीजन देना होता है। तो आपने ना ऑस्ट्रेलियन में यह चीज याद रखनी है कि जो इफ नॉट वाई नॉट है ना वो इंडियन CSR से मैच करता है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो ये भी इन्वेस्टर्स को बताओ, और अगर आपने कुछ कंप्लाई नहीं किया है तो ये भी इन्वेस्टर्स को बता दो, इफ नॉट वाई नॉट, इफ यस देन फाइन, आपने किया है ना बस बता दो। सो इसने देखा, इसने क्या बोला, तो इस अप्रोच का मेन काम क्या है कि एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज गवर्नेंस अरेंजमेंट सो दैट इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स कैन हैव अ मीनिंगफुल डायलॉग विद द बोर्ड एंड मैनेजमेंट ऑन गवर्नेंस मैटर। आप बस बता दो ना अपने स्टेक होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को कि कितना तुम कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो तुमको ASX ने बोला है करने के लिए तुम फॉलो कर रहे हो, ताकि तुम्हारे इन्वेस्टर्स तुमसे बात कर सके कि हम ये वाला गवर्नेंस का नॉर्म फॉलो करते हैं कि नहीं करते, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। अब बात समझो, इन लोगों ने क्या कर दिया आपके सामने, इन लोगों ने ना आपके सामने एक ना पूरी एथिक्स की, अच्छा एक फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूँ, इन्हें पूरी एथिक्स की लिस्ट रख दी और बोला ये तुम्हें फॉलो करना है या नहीं करना तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, पर हम कहते हैं कि ये फॉलो करोगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा, पर इन लोगों ने आपको बोला कि ये तुम्हारी चॉइस है, फॉलो करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, बट ASX आपको क्या कंपल्सरी कर रहा है, इफ नॉट वाई नॉट। अब ये इफ नॉट वाई नॉट से क्या होगा, आपको हर बार अपनी रिपोर्ट में बताना है कि ASX ने हमको ये सब कुछ फॉलो करने के लिए बोला था, हमने नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये किसको बताओगे, इन्वेस्टर्स को बताओ, और ये इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे
कि आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। और जाहिर सी बात है पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए था, तो इन्वेस्टर तुमसे नेक्स्ट डायलॉग यही लेगा कि भाई अगली बार अपॉइंट होना है कि नहीं होना है, या तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर या फिर नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट नहीं है। सो डिड यू गेट इट, इन लोगों ने रिवर्स अटैक किया है तुमको, डायरेक्ट ओनर्स के सामने छोड़ दिया और बोला कि ओनर्स को बताओ कि मैंने ये प्रिंसिपल्स दिए। मेक सेंस, सिंपल है। एंड कैन फैक्टर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन टू देयर डिसीजन ऑन वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन द एंटिटी और हाउ टू वोट ऑन अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। मेकिंग सेंस एवरी बिट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा एक बार के लिए बात समझनी, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियंस में क्या बताया गया, भाई इन लोगों ने भी अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिकमेंडेशन दिए। आप लोग कौन सा वाला रिकमेंडेशन पढ़ रहे हो अभी, ये फोर्थ बार पे आ रहा है, कौन से ईयर का है, 2017 का रहा है। ऑप्शनल है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है। अच्छा किसके लिए बनाए गए हैं ये, जो भी ASX के ऊपर लिस्टेड होते हैं, चाहे कोई भी तरीके का स्ट्रक्चर हो, इंटरनली मैनेज्ड हो, एक्सटर्नली मैनेज्ड हो। इनका अप्रोच क्या है, इफ नॉट व्हाई नॉट। अच्छा इफ नॉट व्हाई नॉट का मतलब क्या है, कि आपने हमेशा किनको बताना है, अपने इन्वेस्टर्स को बताना है अबाउट आपने क्या कंप्लाई किया क्या कंप्लाई नहीं किया। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर डिसाइड कर पाएगा तुम्हारे अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट रखना है नहीं रखना, तुमको रखना है नहीं रखना। श्योर इनफ, खत्म। ऑस्ट्रेलियन एकदम खत्म है। एक बार वापस से गो थ्रू कर लो भाई, कोई डाउट हो तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। गो स्लो गो स्टडी, एक बार थोड़ा हाथ बैठ जाएगा ना एथिक्स में, फिर अपन स्पीड बढ़ा लेंगे। ठीक है, श्योर है, चलेगा। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें एंड वी स्टार्ट अगेन, चलेगा। सो वील टेक अ ब्रेक ओवर हियर। इस लेक्चर में वाइटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक नया लेक्चर बनाते हैं आप लोगों के लिए वापस से। थकना मत और भाग मत जाना भाई, चलो बाय बाय।